तो रे ऑप्टिक्स का एक नया वीडियो और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ अ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। यानी ऐसा होगा कि हमें एक लेंस दे देगा और लेंस का एक सरफेस सिल्वर्ड होगा मिरर जैसा और फिर हमसे बोल देगा कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां बनेगी। यानी हमें न्यूमेरिकल्स डील करने हैं जिसमें किसी लेंस का एक सरफेस सिल्वर्ड हो। कैसे करेंगे इसको? तो इसको करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हम आपको सिखा देंगे, बहुत आसान है, और उसके बाद 2-3 बढ़िया न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे। तैयार हैं आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आओ भाई हेडिंग लगाते हैं सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। किसी लेंस का एक सरफेस सिल्वर्ड है। जैसे मान लो हमने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और उसका ये सरफेस हमने सिल्वर्ड कर दिया। वन सरफेस हैज बीन सिल्वर्ड लाइक अ मिरर, सिल्वर्ड सरफेस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, यहां मान लो पुचुक से एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी, फिर कहा बताओ इमेज कहां बनेगी। अब आप सोच रहे हो क्या करें, यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाएं, यहां पे मिरर्स फॉर्मूला लगाएं, हैं? हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। वाह आप नहीं बोले। हाँ, तो बात यह है इसको कैसे डील करें। तो इसको हम ऐसे डील करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है एक कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव मिरर का, है ना। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है एक कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव मिरर का। बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है। कुछ भी हो सकता है, लेंस भी किसी और तरह का हो सकता है, यहाँ पे मिरर भी किसी और तरह का बन सकता है, डिपेंड करेगा कैसा लेंस का शेप है। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्ट से रे चली 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 लेंस पे टकराए। लेंस पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो इस रे की बेंडिंग हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, रे की बेंडिंग हुई, कहां गया? मिरर पे, है ना। ये सरफेस देखो मिरर जैसा है। अब इसकी सिल्वरिंग कर दिए तो लाइट बाहर नहीं जा सकती, है ना। यहां से लाइट आएगी, यहां टकराएगी और बेंड होके बाहर नहीं जा पाएगी। क्या होगा? बल्कि यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर से आपने सिल्वरिंग कर रखी है। तो लाइट ने यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस में आई। अब जब वापस लेंस में आएगी तो लेंस से फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो इसकी फिर से बेंडिंग हुई और यहां कहीं आपकी फाइनल इमेज बन गई, है ना। टकराई, वापस आई और फिर बेंडिंग हुई और यहां कहीं फाइनल इमेज बन गई। अगर बच्चों ये लेंस होता तो इमेज इस तरफ बनती, अगर ये लेंस होता तो लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होके इस तरफ चली जाती। लेंस में एक होता, लाइट रे आती, कुछ बेंड बेंड होके यहां का इमेज बनाती। पर यहां लेंस का एक सरफेस मिरर जैसा है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब सुनो बात ध्यान से, ये पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव किया मिरर जैसा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखो तो नेट इफेक्ट मिरर वाला है, क्योंकि क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई सेम साइड। तो हम लिखेंगे द ओवरऑल सिस्टम बिहेव्स एज अ मिरर। पहले तो ये बात हमको अब याद रखनी है कि पूरा सिस्टम ये मिरर जैसा ही बिहेव किया है। लाइट रे गई, कुछ हुआ हुआ, लास्ट में रिफ्लेक्ट होके वापस आई। जिधर ऑब्जेक्ट था रिफ्लेक्ट होके वहीं रे वापस आ गई, उधर इमेज बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब तरीका सीखो, तरीका सीखो। अब ये पूरा सिस्टम क्या है? मिरर है। तो हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रहे, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि ये सिस्टम मिरर है, दूसरी बात हम क्या करने जा रहे हैं, फोकल लेंथ इस पूरे सिस्टम की निकाल लेंगे। अच्छा, अब सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है? मिरर जैसा।
Now we will apply mirrors formula. हाँ, thin lens formula नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? Mirrors formula. Mirror formula क्या हो जाएगा? Equivalent focal length निकाल लिया आपने system की. मान लो वो FE है. अभी सिखाएंगे कैसे निकालना. अब आप mirrors formula लगाओ. मान लो आपको बोल देता है कि जो object का distance है वो u है और जो image का distance है वो कितना होता है बच्चों? V है. तो अब आप mirrors formula लगा देना. 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. U पता है, F हम आपको निकालना सिखा रहे हैं और एग्जाम में आपसे इमेज डिस्टेंस भी पूछेगा. U तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में, F हम आपको अभी सिखा देंगे कैसे निकालना है. इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम आपको भी सिखा रहे हैं, बहुत आसान तरीका है. तो U दिया होगा, F निकाल देना. पहले इतना नोट करो, फिर देखते हैं कि F कैसे कैलकुलेट करना है. याद रहेगा पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह. नोट कर लिया? ठीक है भाई, क्या है कि मिरर है, हम ओवरऑल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे और लास्ट में मिरर्स फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, लेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे लास्ट में मिरर्स फार्मूला, क्योंकि पूरा सिस्टम मिरर है. अब बात आई कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, है ना, कि इसका एफ ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. समझो, इस सिस्टम के हम पहले इक्विवेलेंट पार निकालने जा रहे हैं. क्या निकालने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट पार निकाल, बोल देते हैं PE, इक्विवेलेंट पार. बच्चों इक्विवेलेंट पार क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना. रे ऑफ लाइट आई, पहले लेंस से टकराई, फिर मिरर से टकराई, फिर लेंस से टकराई. चाहो तो यहां देखो, रे ऑफ लाइट आई पहले लेंस पे, फिर मिरर पे, फिर लेंस पे. तो इक्विवेलेंट पार हो जाएगी बच्चों पार ऑफ लेंस प्लस पार ऑफ मिरर प्लस पार ऑफ लेंस अगेन. अब ये आपको हर क्वेश्चन देखना होगा कि लाइट कहां से जा रही है, पहले लेंस पे गई, फिर मिरर से टकराई, फिर लेंस में आई. तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस. अच्छा, अब आपको एक बात याद होगी कि पावर ऑफ लेंस होती है 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और बच्चों पावर ऑफ मिरर जो होती है वो होती है -1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना. मिरर में जो पावर का फॉर्मूला है उसमें माइनस लगता है. पिछले वीडियो मैंने बताया था, अगर आपने नहीं भी देखा तो आज ये चीज जान लो कि मिरर की जो पार होती है वो -1/ फोकल लेंथ होती है. ठीक, अच्छा अब सुनो तो पार ऑफ लेंस को लिख लेंगे 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस. पार ऑफ मिरर बन जाएगा -1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर. पार ऑफ लेंस 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस. अच्छा ये बताओ इक्विवेलेंट पार को क्या लिखोगे? 1/F की -1/F. सोच के बोलना, ये पूरा इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह. यानी जो इक्विवेलेंट पार है उसका फॉर्मूला मिरर वाला बनेगा, यानी -1/F इक्विवेलेंट. तो इसको हमने लिखा -1. यहां से आप F इक्विवेलेंट निकालोगे इस फॉर्मूले से, उसको वहां रखोगे मिरर्स फॉर्मूला में, और उससे क्या मिलेगा आपको? इमेज डिस्टेंस. बोलो ये समझ में आया? इक्विवेलेंट पार ओवरऑल पूरा सिस्टम है क्या? मिरर. ओवरऑल पूरा सिस्टम को लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर है. पार के दो फॉर्मूले हैं, या तो 1/F या -1/F. बट ओवरऑल पूरा सिस्टम अगर मिरर है तो इक्विवेलेंट फॉर्मूले, इक्विवेलेंट पार के फॉर्मूले में भी हमने किसका फॉर्मूला इस्तेमाल किया? मिरर का. बोलो क्लियर हुआ? हमने यहां -1/F, यहां हमने 1/F ही नहीं लिखा, क्योंकि हमको पता है पूरा सिस्टम लेंस नहीं है. तो सिस्टम की जो इक्विवेलेंट पावर थी उसमें भी हमने मिरर का फॉर्मूला लगा दिया. बस इतना अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन खटाखट ही लगेगा. यार फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, सब तो पता होगा ना आपको. फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने का तरीका तो आपको पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/FL इज इक्वल्स टू N2/N1 -1/R1 -1/R2. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, R1 R2, ये सब तो आप पढ़ चुके हो ना. फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने का तरीका, N2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 होता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालने का तरीका क्या होता है? रेडियस ऑफ मिरर डिवाइड बाई 2, R/2. कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ये सब तो आपको पता होगा ना.
कॉनकेव है तो फोकल लेंथ मिरर की नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ मिरर की पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एफएल निकाल लो, एफएम निकाल लो, आर वगैरह दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया होगा, फिर एफ इक्विवेलेंट निकालो, फिर जैसे ही एफ इक्विवेलेंट मिल जाए उसके बाद 1 by f equivalent is equals to 1 by v plus 1 by u. So this is the whole process. Note करो, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिखाएंगे कैसे करना है इसको, नोट कर लो, पॉज करके छाप लो, ये क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि इक्विवेलेंट बार ये क्यों लिखा, क्योंकि पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा, इसलिए माइनस वन बाई एफ मिरर वाला फॉर्मूला यूज किया। छाप लो पॉज करके, चलो न्यूमेरिकल ने छाप लिया, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5 मिटा रहा है, 1 2 3 4 5 चलिए आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो सवाल नंबर एक, ठीक है मैं बना देता हूं सवाल सीधा, कौन लैंग्वेज लिखेगा पूरी, आओ सवाल देखो। सवाल है कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, इधर से इसका सरफेस हमने सिल्वर्ड कर दिया, जो सिखा रहे थे वही दे दिया अभी सवाल में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, ये जो दो रेडियस हैं, रेडियाई हैं, दोनों 10 सेंटीमीटर है, बराबर है R1 भी 10 R2 भी 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ऑब्जेक्ट लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है ना, कहां से 10, यहां से कि यहां से, ऐसी बात मत करना क्योंकि हमारे सिलेबस में थिन लेंसेस हैं, ठीक है, तो दोनों ही जगह से 10 रहेगा, बहुत पतले लेंस होते हैं। हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, एक बार जरा पॉज करके ट्राई तो करो, 3-4 मिनट जरा ट्राई करो, क्या पता हो जाए खुद से, एक बार ट्राई करो, मैं देखूं क्या कैमरे में पूरा आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, एक बार ट्राई करो, कर लिया पॉज करके एक बार ट्राई करो, चलो मैं करूं इसको, चलो इसको अगर हम तोड़े बच्चों तो ये टूट के क्या बनेगा, तोड़ना जरूर, इसको तोड़ा हमने, एक कॉन्वेक्स लेंस आएगा और एक कॉन्केव मिरर आएगा, है कि नहीं, यह ऑब्जेक्ट सीरीज गई लेंस पे, रिफ्रैक्ट होके मिरर पे, रिफ्लेक्ट होके लेंस पे, फिर रिफ्रैक्ट होके वापस इमेज, ऐसे बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट से पहले जाएगी लेंस पे, फिर मिरर पे, फिर एक बार लेंस पे। तो अगर हम इसकी इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो सबसे पहले आया लेंस, फिर आया मिरर, और फिर से भैया आ गया लेंस, ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा, लेंस की तरह कि मिरर की तरह, मेरे ख्याल से तो मिरर की तरह, तो इक्विवेलेंट पावर माइनस वन बाई एफ इक्विवेलेंट, पावर ऑफ लेंस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर माइनस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, और निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 1/focal length of lens इज इक्वल टू n2/n1 - 1, 1/r1 - 1/r2, 1 upon focal length of lens, हमें यही तो चाहिए 1 upon fl, यही निकाल लेते हैं। n2 होता है बच्चों लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 होता है सराउंडिंग का। अब क्योंकि हमें सराउंडिंग नहीं बताई है तो अपने आप हम मान लेंगे कि सराउंडिंग में दोनों तरफ एयर है, अब दिया होता वाटर ग्लास तो अलग बात थी, नहीं बताई तो एयर, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर का होता है 1 - 1, बोलो सही, n2 हो गया लेंस 3/2, बाहर हो गई एयर 1 - 1, 1 upon r1 की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 10 की माइनस 10, सोच लो ये बात भी, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई तो बच्चों ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और r1 भी देखो इसी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है, तो 1/10 माइनस 1 upon r2 की बात करें तो रे तो इधर जा रही है इंसिडेंट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई जिधर इंसिडेंट रे जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इसका देखो r2 इधर बनेगा कि नहीं, है ना, यहां से इस तरफ r2 यानी माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/10, सो 1/fl = 3/2 - 1, तो 3 - 2
यानी 1 by 2 into 1 by 10 plus 1 by 10, तो ये हो गया 2 by 10, यहां से 2 2 कैंसिल, 1 upon FL की वैल्यू 1 by 10, यानी लेंस की फोकल लेंथ असल में 10 सेंटीमीटर है, ये तो मिल गया हमको, 1 by FL ही तो चाहिए, अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात करें बच्चों, तो वो होता है रेडियस ऑफ मिरर डिवाइड बाय 2, ध्यान से देखो कौन सा मिरर है यहां पे, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का R और F दोनों नेगेटिव होता है, तो हमने लिखा minus 10 divided by 2, so we will get minus 5, ये मिला हमें FL, और FL कितना है 10 से, आओ यहाँ पे, minus 1 upon F equivalent is equals to 1 by FL की वैल्यू देखो, 1 by FL की वैल्यू है 1 by 10, यानी यहाँ से देख लो यार FL की वैल्यू 10, ठीक है, so 1 by 10 plus minus 1 upon focal length of mirror minus 5, ना ये negative इसलिए है क्योंकि concave mirror है, plus 1 upon focal length of lens that is 10, बस solve कर लो, minus 1 by FE, 1 by 10, 1 by 10 हो गया 2 by 10, यानी कि 1 by 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा plus 1 by 5, बोलो सही बोल रहे हैं, 1 by 5, 1 by 5 कितना हो गया 2 by 5, तो minus 1 by F equivalent is equals to 2 by 5, 1 by 10, 1 by 10, 2 by 10, यानि 1 by 5, plus 1 by 5, 2 by 5, यहां से F equivalent की value मुझे मिल रही है, minus 5 by 2, negative आ रहा है, क्योंकि overall पूरा system concave mirror की तरह behave कर रहा है, यहां से आप लिखोगे system behaves like concave mirror, जिसकी focal length ये है, इस पूरे system को हटा के अब आप सोच सकते हो, कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ ये है, ठीक, अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इतना नोट कर लो तो आगे बढ़े, नोट कर लिया पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये मिटा लें, नोट कर लो पॉज करके, चलो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, अब बच्चों इस पूरे सिस्टम की जगह आप सोचो कि यहां पे सिर्फ एक कॉनकेव मिरर है जिस मिरर की फोकल लेंथ हमें मिली है -5/2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे की तरफ नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड P, अप्लाई कर दो मिरर फार्मूला 1/F is equals to 1/V plus 1/U, यहां से v को सब्जेक्ट बना लो, v को सब्जेक्ट बनाओगे तो आ जाएगा uf upon u minus f, ये पहले भी हम कई बार बता चुके हैं मिरर में, v को सब्जेक्ट बना लो uf upon u minus f, तो u कितना है minus, जिसको नहीं आ रहा है यहीं पे वैल्यू रख ले, u की वैल्यू रखो f की वैल्यू रखो v मिल जाएगा, u कितना है -10, f कितना है -5/2, u कितना है -10 प्लस हो जाएगा 5/2, सो v विल कम आउट टू बी माइनस माइनस प्लस 2 5 10 5 5 25 अपॉन ये हो जाएगा -20 प्लस 5 तो -15/2 ये होगा सो 5 3 15 5 5 25 5 2 10 -10/3 सो v इज -10/3 और यू कैन से -3.33 सेंटीमीटर जो फाइनल इमेज है वो -3.33 सेंटीमीटर पे बनेगी माइनस मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट और कहां से मेजर होगा डिस्टेंस ऑफ कोर्स यहां से सेंटर से यानी पीछे की तरफ कितने डिस्टेंस पे कहीं यहां पे इमेज बनेगी 3.33 सेंटीमीटर भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और वी कैसा आया है नेगेटिव आया है तो पीछे की तरफ दिस इज द फाइनल आंसर नोट करें आया क्या तरीका समझ में आया एक और क्वेश्चन दें थोड़ा बढ़िया करें जरूरी थोड़ी ना कॉनकेव मिरर होगा आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन नोट कर लो इसको दो तीन करा देंगे आप समझ जाओगे तरीका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेने जा रहे हैं ठीक है ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम बना लेते हैं आओ टिंग अच्छी अच्छी इतना बंदा अरे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये बन गया ठीक है इसका हमने प्लेन सरफेस सिल्वर्ड कर दिया
प्लेन सरफेस हमने सिल्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि लेंस से 15 सेंटीमीटर, जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट, और लेंस का रिफ्रैक्टिव छोड़ो, फोकल लेंथ दे रखी है हमको सीधा इस बार लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस 15 सेंटीमीटर। हमसे फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ क्या चीज, फाइनल इमेज। सवाल वही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ट्राई करो जरा इसको आप अपने आप, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ऑप्शन दे दें आपको कहां, चलो यहां ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। पॉज करके ट्राई करो, इस बार सीधा फोकल लेंथ दे दी लेंस की, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दे दिया। कर लिया ट्राई, पॉज करके एक बार ट्राई करो, कर लिया। चलो इसको हम तोड़े, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये एक तो बाई कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, एक तो बाई कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा और एक प्लेन मिरर मिलेगा। बताओ सभी लोग बताओ, क्या ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, नहीं प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर मिला और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रेज गई पहले लेंस में, लेंस से थोड़ा सा बेंड हुई, मिरर से टकराई, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लेंस से टकराई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ये बनी इमेज। यानी जो रेज ने रास्ता तय किया, सबसे पहले लेंस आया, उसके बाद मिरर आया, उसके बाद लेंस आया और फिर इमेज। जैसे केबीसी में बोलते हैं ना, दिए हुई चीजों को आप है ना बढ़ते आकार में लगाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है ना। तो उसी तरह से तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट पार इज इक्वल्स टू पहले लेंस आया, फिर मिरर आया, फिर लेंस आया। ओवरऑल सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा, मिरर की तरह, लाइट गई है रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, ये तो बात साफ है ना, लाइट जाएगी यहाँ पे बेंड वगैरह हुई, इससे टकराई, फिर वापस आई। तो ओवरऑल सिस्टम तो अभी भी कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ मिरर। तो पार इक्विवेलेंट को माइनस वन बाई एफ इक्विवेलेंट लिखेंगे, मिरर की तरह। पार ऑफ लेंस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पार ऑफ मिरर माइनस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, पार ऑफ लेंस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यही हमें निकालना है एफ इक्विवेलेंट, तभी तो काम बनेगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इस बार सीधा सीधा दे दिया 15, तो 1/15 एक्सक्यूज मी 1/15। अब आया फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बच्चों ये प्लेन मिरर है, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है प्लेन मिरर का, ठीक। तो यहां पे सीधा माइनस वन बाई इंफिनिटी रख दो, काम खत्म। माइनस वन बाई एफ, 1/15 कितना हो गया, 2/15। 1/∞ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1/∞ इज जीरो। यहां से फोकल लेंथ कितनी आई, -15/2 सेंटीमीटर। तो यार नेगेटिव आने का मतलब एक तो ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, आप पहले चीज शुरू हो जाओ कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा, मिरर की तरह। अब इस सिस्टम में कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, तो क्या सिस्टम प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं नहीं। फोकल लेंथ देखो कैसी आई है, नेगेटिव आई है। एक तो ये पहली चीज तो श्योर है कि ये मिरर तो है ही है, ये वो तो मेरे डायग्राम से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ये मिरर तो है। और फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यानी ये सिस्टम बिहेव कर रहा है किस मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर। सर ये कैसे प्लेन मिरर, अरे भाई कॉम्बिनेशन है, यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं। शाहरुख खान मिल गया, अमरीश पुरी मिल गया, है ना, सलमान खान मिल गया, तो करण अर्जुन बन गए। कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि अमरीश पुरी है तो हमेशा मुकाम पर खुश हुआ। समझे बात, नहीं समझे कुछ नहीं। अरे यार इन दोनों कॉम्बिनेशन मिला के बिहेव कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह। अब इसके बाद आपको फाइनल इमेज निकालनी है, तो फाइनली आप क्या यूज करोगे, मिरर्स फॉर्मूला, जिसमें फोकल लेंथ कितनी है, -15/2, यू कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
देखो रे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड v. यहां से ये बच्चों का खेल, 1/f is equals to 1/v plus 1/u. यहां से v को सब्जेक्ट बनाओगे तो u into fe upon u minus fe आ जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, चाहो तो वही वैल्यू रख के v निकाल लो. u की वैल्यू कितनी है -20, fe की वैल्यू कितनी है -15/2, u की वैल्यू कितनी है -20 और माइनस माइनस हो जाएगा +15/2. यहां से v की वैल्यू आएगी -(-)(2)10^20, 10 × 15 150 डिवाइडेड बाय 2 × 20 -40 और 15 हो जाएगा -25 × 2 25 6 = 150 6 × 2 = 12 -12 सेंटीमीटर. यानी सी इज द करेक्ट आंसर. बोलोगे यहां माइनस नहीं, यहां डिस्टेंस दिया है -12. ध्यान से देखो इमेज पीछे बननी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ऐसी बन भी रही डायग्राम से भी, तो यहां इमेज बनी 12 सेंटीमीटर. क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि आपको दिख रहा हो कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा. हाँ ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि अगर लेंस का एक सरफेस सिल्वर किया है तो सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा. कौन सा मिरर बनेगा ये यहां पता चलेगा. अगर ये पॉजिटिव आता तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बढ़िया क्वेश्चन ले लास्ट में, एकदम बढ़िया, खतरनाक, तैयार कर दोगे यस सर, उड़ा दोगे यस सर. आ जाओ देखते हैं बेटा, बहुत जोश में तुमने सबने यस सर बोला है. सर हमने तो बोला ही, हम तो सर वीडियो यही बंद कर देंगे, दो क्वेश्चन हो गया अब हम जाएंगे पिकाचु देखेंगे. पिकाचु तो अब आता ही नहीं होगा, पता नहीं कौन से कार्टून आते हैं आजकल, हमारे जमाने में तो वो आता था पपाय द सेलर मैन टू टू पपाय. हाँ चलो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हाँ पपाय गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, ऑलिव. वाओ. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं. की आओ ऑब्जेक्ट है, इस पूरे सिस्टम से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखा, ये बहुत ही पतला सिस्टम. ठीक है, आप ऐसा ना सोचे कि इस सिस्टम की भी खुद की कोई थिकनेस है, सिस्टम की खुद की कोई थिकनेस नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में थिन लेंसेज ही हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज है तो इस सिस्टम की खुद की कोई थिकनेस आप ना सोचे. आपके सिलेबस में कैसे लेंसेज हैं, थिन लेंसेज हैं. ठीक, अब जरा ध्यान से ये जो इतना पूरा हमारे पास मीडियम है, सरफेस है, जो भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 3/2. ये जो आपको कॉन्वेक्स का सरफेस दिख रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ऐसा समझ लो इसके अंदर पानी भरा है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे बोला 10 सेंटीमीटर, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे बोला 10 सेंटीमीटर और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे बोला 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज या फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सिस्टम फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सिस्टम. ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसको जिसने हिला डाला भाई उसको आ गया कंसेप्ट. From the system, ऑप्शन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर. Find the position of final image from system. आप ध्यान से देख लेना, एक कॉनकेव लेंस है दिख रहा होगा, कई लोग सोचे ही नहीं थे, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव मिरर है. ये होता है सर सवाल, ये जाके मैं स्कूल में अपने दोस्त को देके भौकाल मारेगा कि मेरे को ये टॉपिक आता है, पर पहले सर मैं इसको आगे बढ़ा के सवाल का सलूशन देखेगा.
चलो बच्चों फिर पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। बताओ सर इसका सलूशन हो गया, ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई करोगे। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम तोड़ेंगे तो बच्चों इसको तोड़ेंगे तो ये तीन सिस्टम में टूटेगा, मतलब तीन पार्ट में टूटेगा। एक तो कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर। देखो एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर। और ये कॉनकेव लेंस, ठीक है छोटा डा लिख रहे हैं, और भी चीजें यहां पे लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा और ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी पहले किससे पास करेंगी, लेंस से, फिर दूसरे लेंस से, फिर मिरर से। काम करते हैं, इसको बोलते हैं लेंस नंबर वन, इसको लेंस नंबर टू और ये मिरर, ठीक है। इसको बोल देंगे एल वन, इसको बोल देंगे एल टू, दो लेंस हो गए। तो यहां से ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी बच्चों, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी अपनी, पहले एक लेंस से फिर दूसरे लेंस से फिर कहां जाएगी मिरर पे, फिर वापस आते वक्त फिर दूसरे लेंस से पहले लेंस से तब बाहर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम रे को बेंडमेंट नहीं कर रहे वरना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी होगा बेंडमेंट होगा। तो पहले ले जाएगी L1 से फिर L2 से फिर टकराएगी मिरर से फिर जाएगी L2 से L1 से तब बाहर। यानी अगर हम इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला लिखें बहुत मजा आने वाला है। अगर हम इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला लिखें तो पहले L1 फिर L2 फिर मिरर फिर L2 फिर L1। बोलो बढ़िया सवाल। हाँ सर अब मजा आया, पहले लेंस वन में फिर लेंस टू में फिर मिरर में फिर लेंस टू में लेंस वन में तब बाहर। तो L1 फिर L2 फिर मिरर फिर L2 फिर L1। अच्छा पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लाइट लड़कर वापस आ रही है, पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है लाइक अ मिरर। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई साहब सिस्टम है क्या, सिस्टम मिरर है। कौन सा मिरर है ये मत कहना कि कौन के मिरर, मैंने कहा ना कि मिलके क्या बनेगा पता नहीं है ना, क्या पता शाहरुख खान हो, अमरीश पुरी हो, पर सलमान नहीं है कोई और है। शाहरुख है, सलमान है, माधुरी दीक्षित है, अब बताओ कौन है, कोयला। सर आज तो आपको इस बॉलीवुड का खेल है तो मूवी बदल सकती है ना, माधुरी थी कि जूही चावला थी पता नहीं, एनीवेज तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये कौन के मिरर, हो सकता कोई और मिरर बने, पर मिरर बनेगा क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही, मिरर बनेगा। चलो इफेक्टिव पावर को आप क्या लिखोगे, माइनस वन बाई एफ ई, क्योंकि मिरर है पूरा सिस्टम, 1 अपॉन एफ एल वन, 1 अपॉन एफ एल टू, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एफ एम मिरर के लिए माइनस, फिर 1 अपॉन एफ एल टू, 1 अपॉन एफ एल वन। अब जो बात आई वो आई एफ एल वन और एफ एल टू निकालने की, है ना, इन दोनों की फोकल लेंथ निकालने की। और दोनों की फोकल लेंथ एक करके हम निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं लेंस वन की, लेंस वन हमारा कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, वन बाई एफ इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, सिंपल। वन बाई एफ इज इक्वल्स टू एन टू यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू, एन वन सराउंडिंग। अब सराउंडिंग नहीं दिया है तो क्या मानोगे, एयर मानोगे, कोई टेंशन नहीं है, एयर और एयर और एयर मान लो। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 1 बाई आर 1। अब ध्यान से देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, और आर 1 देखो ऊपर जा रहा है नेगेटिव, यानी आर 1 नेगेटिव हो गया, यानी ये हो गया माइनस 10 माइनस 1 अपॉन आर 2। अब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और आर 2 इस नीचे की तरफ ही आएगा, देखो इसका दूसरा जो रेडियस है ये रेडियस ऊपर जाएगा, ये रेडियस नीचे ही आएगा, तो दूसरा वाला देखो इंसिडेंट रे के साथ है तो ये पॉजिटिव हो गया 10, ठीक है ना। यहां से 1 by f is equal to 3 minus 2 कितना हो जाएगा 1 by 2 minus 1 by 10 minus 1 by 10 minus 2 by 10, ठीक है ना, minus 1 by 10 minus 1 by 10 minus 2, 2 2 कैंसिल, फोकल लेंथ हो गई minus 10, मैंने कहा था नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये किसकी है, L1 की है, तो L1 की वैल्यू रख दे माइनस वन बाई टेन और यहां से भी माइनस वन बाई टेन। अब L2 की बात करें, लेंस 2 की, तो लेंस 2 हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए,
यही फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन टू, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4 बाई थ्री एन वन फिर से एफ माइनस वन 1 बाई आर वन। यहां से देखो रे ऑफ लाइट आई, इसका आर वन नीचे की तरफ, आर वन देखो इधर होगा आर टू इधर होगा, तो आर वन देखो इंसिडेंट रे के साथ है, इंसिडेंट आर वन इसके साथ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आर वन है कितना, अब जरा ध्यान दो, इसके दोनों रेडियस अलग अलग है, ये है आर वन, आर वन देखो पॉजिटिव है इंसिडेंट रे के साथ 10, तो आर वन हो गया 1 बाई 10 माइनस आर टू, देखो इसका नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे नीचे आ रही आर टू ऊपर जा रहा, और आर टू है कितना 20, तो माइनस 20। और इसको सॉल्व करें 1 बाई एफ 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 बाई 3 1 by 10 plus 1 by 20 1 by 10 plus 1 by 20 तो LCM हो जाएगा 20 1 by 10 plus 1 by 20 तो LCM हो गया 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 3 by 20 3 3 बन गया, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस इज 20 सेंटीमीटर प्लस में, कॉन्वेक्स है तो प्लस में, चलो फोकल लेंथ भी आ गई तो लेंस 2 की भी यहां रख देते हैं 1 by 20 और यहाँ पे भी 1 बाई 20। अब बचा मिरर, तो मिरर तो बड़ा आसान है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है r बाई 2, तो यहीं पे निकाल लो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। कैसा मिरर है, कॉनकेव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव यानी माइनस 20 बाई 2, ये तो आसानी से आ गया माइनस 10, सो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 10। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे जीरो, देखो देखो ध्यान से माइनस वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन और ये माइनस माइनस हो गया प्लस वन बाई टेन यानी ये इससे मर जाएगा। मिरर की फोकल लेंथ समझ में आर बाई टू, आर को नेगेटिव लिया कॉनकेव मिरर की वजह से, ठीक माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन ये कैंसिल हो गया। वन बाई ट्वेंटी, वन बाई ट्वेंटी कितना हो जाएगा जोड़ दो, वन बाई ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी बेस डिनोमिनेटर सेम है कितना हो जाएगा टू बाई ट्वेंटी यानी 1 by 10, 1 by 10 minus 1 by 10 कितना हो गया 0 यानी minus 1 by fe 0, ये क्या मतलब, इसका मतलब fe 1 by 0 यानी infinite यानी focal length कैसी आ रही infinite system की। अरे भाई 1 को आपने किसी number से divide किया और divide करने पे answer 0 आ गया तो definitely वो number क्या होगा infinite, अगर किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो तभी तो जीरो आता है, इसका मतलब हुआ इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। अब यार ये मिरर तो है इनफाइनाइट, किस मिरर की फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, यानी ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा प्लेन मिरर की तरह, ये फैसला तो पहले ही हो गया था कि सिस्टम मिरर है, पर कौन सा मिरर है प्लेन मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव आती तो कॉनकेव मिरर, पॉजिटिव आती कॉन्वेक्स मिरर, इनफाइनाइट आ जाए तो। अब आपको क्या निकालना है इमेज का डिस्टेंस, तो प्लेन मिरर की तो कहानी पता ही है, ये पूरा सिस्टम बन गया, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, 10 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगी, ऑप्शन ही नहीं समझे। अरे भैया ये पूरा सोचो दिमाग से हटा दो, ये पूरा दिमाग से हटा दो, इस पूरे को दिमाग से हटा दो भाई साहब, इस पूरे डायग्राम को दिमाग से हटाओ, ये पूरा सिस्टम क्या बन गया प्लेन मिरर, तो इसकी जगह एक प्लेन मिरर लगा दो। अब प्लेन मिरर से अगर 10 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहीं तो बनेगी ना, 10 सेंटीमीटर नीचे खत्म, पोजीशन ऑफ इमेज यहां कहीं होगी 10 सेंटीमीटर पे, क्लियर है, मजा आया आखिरी सवाल में। तो इस तरह से आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस के क्वेश्चन डील करने हैं, यहीं पे इस वीडियो करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।